Horrible shade. What is she such a shady eye? चलो भी चलो बैठक पे चलो, 3 बजे वाली पार्टी का फोन आ गया है। अब 4 बजे वाला फोन तो बंद हो गया। अबे फौजी, जब तुम्हारा फोन आता तो एक रौनक लग जाती थी घर में। हाँ महवेश, क्या बात है, तुम इतने घबराए क्यों? अरे नहीं नहीं महवेश, मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं हूँ। वो दरअसल फौजिया अभी घर में नहीं आई ना, तो जरा झिझक महसूस होती है। तो क्या फौजिया राहत को फोन नहीं किया करती थी? डैडी, वो बड़ा क्या सोचेगा? इससे पहले कि वो सोचे, तुम्हें सोचना चाहिए। फोन करने के लिए सोचना पड़ रहा है? हाँ बेटी, सोचना पड़ता है। अभी तुम्हारी एजुकेशन पूरी हुई, अभी तुम फाइनल ईयर में हो। मम्मी, जमशेद मेरा क्लास फेलो है, क्या मैं इस घर से उसे फोन तक नहीं कर सकती? एतराज फोन करने पे नहीं है, बल्कि जिसको किया जा रहा है उस पर है। तुम्हें किसने यह हक दिया कि जो फैसले हमने करने वो तुम करते फिरो? इसका फैसला कीजिए। दोनों पढ़ रहे हैं अभी, वैसे देखो दूर है, जब वक्त आएगा देख जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है कि हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि सब लोग हर वक्त ही मसरूफ रहने लगे हैं। क्या मतलब है चुम्बा जी? मेरा मतलब है कि काम अब बढ़ गया है। मैं चाहती हूँ कि काम की कुछ तकसीम हो जाए, यानी कुछ लोग पहले आराम करें, उसके बाद बाकी के लोग काम करें, फिर शाम को जिन लोगों ने आराम किया है वो काम करें। आपका मतलब है कि काम की तकसीम हो जाए? तो ठीक है, हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना, बस फिर ऐसा है कि तुम सब लोग अपने अपने कमरे खुद साफ किया करोगे, और जो मुश्तरक जगह है वो बारी बारी साफ कर लेंगे। क्यों फौजिया? जिस तरह रूटीन चल रही है ना, तो उसे चलने दे। मैं समझती हूँ कि घर के कुछ लोगों पर काम का बोझ ज्यादा है, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। ऐसा है फौजिया कि तुम कोई हल्की सी ड्यूटी ले लो। हाँ, और वो हल्की फुल्की सी ड्यूटी, खाने पीने के अलावा और क्या हो सकती है? क्यों छोड़ी? अच्छा अच्छे, बहुत संजीदा बात हो रही है, तुम चुप रहा करो। फौजिया, तुम ऐसे करो, कपड़े धोने की ड्यूटी ले लो। मेरे कपड़े लॉन्ड्री में जाते हैं और वहीं जाएंगे। ये आपका मसला मुझे इसमें शामिल ना करो। ये तो पैसे आ गए ना इस कमेटी, बाकी रह गई है 2, फिर खत्म। शिविका जाए ले आ, पता नहीं कहाँ रह गई है। हाय, तो इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। सलाम शिविका जी। ओए होए, सलाम नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। चलो छोड़ दे उसका पीछा। आपको जी बच्चे को भेजा है बशर भाई की दुकान पे बिस्कुट लेके आता है, तो मैं भी चाय लाती हूं। नहीं बस खाली चाय ले आओ, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है, मुझे मेहमान क्यों बना रहे हो तुम लोग? कोई बात, चाय ले आओ, बस चाय ले आओ, चाय ले आओ। हां चाय ले आओ। आज उम्मीद तक मेरी तरफ तीसरी बहू के आने से खूब घर में रौनक होगी। रौनक तो बढ़ गई है खाला, लेकिन एक बात है जो मैं बहुत बुरी तरह महसूस कर रही हूं। ताकि तेरे क्या बात है? खतरा तो ये खाला कि कहीं राबिया और ज़ैनब भी उसके रंग में ना लग जाए। मुझे तो बाबूजी का ख्याल आता है, तो बहुत बुरी तरह महसूस करेंगे इस बात को। तो
जी आप जरा देखना ये मशीन नहीं चल रही। क्या हुआ है मशीन को? देखो पता नहीं चल नहीं रही। चलेगी खाद जल गई है। जल कैसे गई है? आप भू नहीं आ रही आपको जलने की, ऐसे जल गई। वो वॉशिंग मशीन जल गई है। तो प्रेशर भी तो बहुत है इस घर में कपड़ों का। हाँ तुम जरा ऐसे करो अपनी मशीन निकाल दो। ना बाबा ना, मेरी वॉशिंग मशीन तो बहुत ज्यादा लगे और वैसे भी वो चार सिल के कपड़े धोने के लिए इस घर के कपड़ों की लाठी लाठी धो सकती है। वो जल जाएगी वो भी। ये क्या किया तुमने? आप ही को मना कर दिया सिर्फ एक वॉशिंग मशीन के लिए? तुम एक औरत नहीं हो और ना ही तुम्हारा कोई जहेज जो तुम्हें जहेज की मोहब्बत के बारे में समझा सके। तुमने आप ही को मशीन ना देकर कितनी बुरी हरकत की, इसका एहसास है तुम्हें? देखो रहा जो ख्वाब मैंने अपने घर के बारे में देखे थे ना शादी से पहले, वो इस घर में आके सब खाक में मिल गए। और तो और इस घर में काम करने की ड्यूटी लग रही है। इस घर में सबको काम करना पड़ता है। सबको, मैं सब में शामिल नहीं होती। अगर तुम इतने कमजोर आदमी थे और तुम्हारे इस घर में कोई वाज़े पोजीशन नहीं थी, तो तुम्हें मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा बाबा अच्छा, अब गुस्सा तो मत करो। तुम्हें इस घर के माहौल में एडजस्ट करना है अपने आप को, प्लीज। अब मूड अच्छा कर लो। मूड अच्छा कर लो? सड़ी सी बातें क्यों करते हो? मैं कभी बल्ब थोड़ी ना, तुम ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते जाओगे। मेरे हर चीज़ तबाह हो रही है। चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है, सजाने के लिए नहीं। आपको पता आज मेरी वॉशिंग मशीन जल गई है मेरी तरह। मैं तो खैर एक अरसे से जल रही हूँ। वॉशिंग मशीन में जलने वाला कुछ नहीं हो, सिर्फ एक मोटर होती है, वो रिवाइंड हो जाए। जरा सा पानी पड़ गया होगा, खतरे वाली कोई बात। आपके लिए तो कोई बात भी खतरे की नहीं होती है ना। आप तो यही चाहते हैं कि आपके घर वाले मेरे जहेज की हर चीज तबाह कर दें, मगर मैं जुबान ना खोलूं। देखो जैनब, इस घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे जहेज की नहीं है, मगर तुम वो इस्तेमाल करती। कभी किसी और ने इस पर एतराज किया तुम्हारी तरह? मुश्तरका खानदान में जो नुकसान बज़ाहिर नजर आते हैं वो दरअसल होते नहीं। अगर मुश्तरका घरेलू जिंदगी यही है ना, तो ये किसी अज़ाब से कम नहीं है। तजुर्बा गलत हुआ लगता है। क्या हो जाता है तुम्हें ज़हन? मशीन और आ जाएगी, किस तो पर ले आएंगे। लेकिन अपनों की मोहब्बत न खरीदने से मिलती है न किस्तों पर। मोहब्बत लव अफेयर असल में प्रोबेशन पीरियड होता है, और अगर दोनों कामयाब हो जाएं तो नौकरी पक्की। नौकरी? व्हाट नौकरी? भाई आखिर हमें आपकी नौकरी ही तो करनी है मैडम। मैं हसन जी। अच्छा, लेकिन सोचते हैं हकीकत में बहुत फर्क होता है। वैसे नौकरी से आई मीन गर्वीला, यू नो क्या हो गया? अगर ये जाती तो कल अखबार में पता क्या खबर आती, एक बड़ी सी हेडिंग आती कि एक जोड़े ने मोहब्बत में नाकाम होकर खुदकुशी कर ली। वो क्या है? वो भाई नहर की शादी।
नहर की शादी? हाँ हाँ, नहर की शादी। किससे? भाई ऑब्वियसली दरिया से। ब्यूटीफुल है ना? मुश्तरका घर के खर्चात इसी मुश्तरका फंड से चलते हैं। कोई खानदान हो या मुल्क, क्या वो तरक्की कर सकता है जिसकी इकॉनमी दूसरों के कंट्रोल में हो? राहत, तुमने कॉमर्स पढ़ी है, जवाब दो। हमारे दुख सुख, हमारी मोहब्बतें, हमारी इकॉनमी सबके सब मुश्तरका है। काइंडली इस मुश्तरका लिमिटेड कंपनी को ना अब वाइंड अप कर दे। फौजिया, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, पता है मैं क्या कह रही हूँ। क्या हमने इसी किस्म का घर बसाने का ख्वाब देखा? एक एक करके मेरे अरमानों का खून होता जा रहा है। यहाँ पे इस घर में हर जज्बा सेंट्रली कंट्रोल्ड है। कल्चर है इस घर का, और इस घर का यही कल्चर सदियों से चलता आ रहा है। मुश्तरका रिहाइश, मुश्तरका अखराजात और मुश्तरका सोच। मुश्तरका सोच अब आपकी मौत। जब मालखाने में तनख्वाह जमा करा दो, वापस खाली हाथ। अगर तुम्हें अपने अखराजात के लिए कुछ चाहिए तो कुलसुम ऑफिस से। नहीं फैलाने मुझे उनके सामने हाथ, जिन्हें तुम पीटते हो। बाबूजी, राहत नहीं आया अभी तक अपनी तनख्वाह देने। आ जाएगा। मेरा ख्याल है फौजिया ने राहत की क्लास ली है, इसलिए खामोश खामोश था बेचारा। जब भी तो हमें फेस नहीं कर सका। अब फौजिया इस घर में नहीं नहीं है। इस घराने की अभी आदत नहीं पड़ी उसे। जब समझ जाएगी राहत फिर उदास नहीं होगा। दरअसल फौजिया जॉइंट फैमिली सिस्टम से वाकिफ नहीं है और ना ही उसकी ऐसी कोई ट्रेनिंग है। वो फौजिया बेटी का ख्याल होगा कि शायद मैं बेटों की कमाई पर बन रहा हूं, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्हें इकट्ठा रखने की बल्कि जमाने की गर्मबाव से बचाए रखना चाहता हूं कि बिखर गए तो उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। मैं अगर उस वक्त मेरे इशारों को समझ आती ना तो आज ये उदास ना आती। तुम उदास नहीं, आने वाली उदासी से बचना चाह रही हूँ। तो एक ही बात है ना, आपको तो पता है कि मैं घर के कामकाज नहीं समझती, कभी किया नहीं। हाँ पता है, तुम बात बताओ बात क्या है। मेरे ससुराल में ड्यूटी लगाई जाए, प्लान नाश्ता इतने बजे बनाएगा, सफाई की ड्यूटी इसकी है, कपड़े ये धोएगा, स्केड्यूल बनाए जा रहे हैं। जिस तबके में तुम अपनी मर्जी से गई हो ना फाजिया बीबी, वहां तो यही कुछ होता है। मैं नहीं हो रही। वो तुम्हारी हुक्म अभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारे अलावा भी उनकी दूसरी बहुएं हैं। काम करने तो नहीं थी, पर उन लोगों को तो बीवियों के रूप में काम करने वाली औरतें चाहिए। तुम अपने आप को सर्विस के लिए तैयार रखो, यूं मत बनाओ। डैडी कहाँ? हाँ फाजिया, आओ। सॉरी, हमारी बेटी आई और हमें खबर तक नहीं। तुम अकेली आई? रात कब?
उस घर में भी राह नहीं मिली। मैं खुश हूं दादी, लड़की का अपना घर कौन सा होता है, माँ बाप का या ससुराल का? मेरे ख्याल में कोई नहीं है। ये बहुत पुराना मसला है दादा, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की, मगर आपकी इजाजत से। तुमने अपनी मर्जी को मेरी मजबूरी बना दिया था बेटा। औलाद की मोहब्बत में इंसान कभी तो बहुत बहादुर बन जाता है और कभी कभी बहुत बुजुर्ग। खैर छोड़ो, आज का मसला बताओ। मेरा तो आज का मसला है, लेकिन उस घर का सारा का मसला है। मैं वो सर्विस करने तो नहीं गई थी, घर के काम काज मेरे बस की बात नहीं है। उस घर में ड्यूटियां लगाई जा रही है काम करने की। बस इतनी सी बात, हम अपनी बेटी के लिए नौकरानी नहीं देते और उसकी तनख्वाह मेरे से खुश। शाम की चाय के साथ रस खाने का अपना ही मजा है। जी बहुत बहुत मजेदार है। सबको भी आया चाय पिए। फौजिया, तुम्हें पता है रात का खाना बनाने की तुम्हारी ड्यूटी है, तुम कहाँ चली गई थी? अपने घर। कल नौकरानी आ रही, मेरे हिस्से का काम कर दिया कर रही। आई एम सॉरी। नौकरानी? हाँ हाँ नौकरानी, कभी देखी नहीं है। चिल्ला क्यों रही बेटा, आराम से बात करो। देखो नौकर रखना हमारी हिम्मत से बाहर नहीं है, लेकिन एक खास वजह से हम नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी सैलरी मेरे डैडी दिया करते हैं, आप ये समझो कि वो जेब में आ रही है। बेटा मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, नौकर लोग घर की बातें बाहर करते हैं, इसीलिए इस घर में नौकरानी नाकाबिले कबूल है। आपको नौकरानी नाकाबिले कबूल है, मुझे घर के काम का।